अस्सलामुअलैकुम हेमलो जी, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल है हम सब के? उम्मीद है वास्ते कि आप सब ठीक हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ठीक होंगे और सब खैरियत से होंगे। तो सुबह का दिन है, गुड मॉर्निंग सबको। तो हम जा रहे हैं अपने कपड़े लेकर दर्जी को सिलवाने के लिए। दो सफ़ेद सूट सिलवाए थे जैसा कि आपको याद होगा, सेंटर में जाने के लिए। तो गर्मियों के सूट थे वो, अब सर्दियों के दो सिलवाने हैं। तो ये दर्जी को देने जाते हैं और भी काफ़ी सारे काम पड़े हैं पेंडिंग के, तो वो साथ साथ दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो दर्जी को सूट दे दिए अपने। अच्छा, हमको सिखा रहा है सर्दियों वाले दो सिलवाने के लिए। हफ्ते बाद मिल जाएंगे, वो कोई उठा लेगा बड़ा भाई आके। रेत और सीमेंट ले रहे हैं अभी फिलहाल, बंदा है नहीं है, पता नहीं कहाँ गया बंदा, तो हम खुद ही डाल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, छोटे मोटे काम कर लेते हैं। खेत बरली है, हर वक्त सिगरेट पीता रहता है। तो अब चलते हैं वापस घर को। घर जाने से पहले कुछ और तीन चार काम है वो करके जाते हैं। चावल की प्लेटें भी ले ली हैं दो, तो वो आपको दिखाते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए। और साथ जूस पी रहे हैं। वो मार्बल के पीस उठाते हैं, मोटरसाइकिल पे रखते हैं, बल्कि हमसे कहाँ रखे जाएंगे, हम तो ब्लॉग बना रहे हैं ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जानू रखे यार ऊपर। हमारा एक और दोस्त भी आ गया है, खच किस्म की। अबे साले, उमर उसको मुझे लगता है रिसीव करने गया हुआ है, पता नहीं कौन सी मखलूक आई है। आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ यार, ये रास्ता तो खोल दिया करो, चार पाई आ गए तुमने, डाई हुई है। मस्त जोक मार रहे, ये हंस रहे हल्का हंस। हेलो माय फैंस, कैसे हो? मजा पर फैन आ फैन के बीच मार शेर तेरी धौण लथे गया, गजब बेइज्जती है। दोस्तों के सामने पता है कहाँ इज्जत होती है, तो चुप करके बैठते हैं। खाना पीने का सामान हम ले आए हैं, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो जी एक और हमारा दोस्त आ चुका है। कैसे है ब्रो, छुट्टी मिल गई तुझे? नहीं मिली। कैसे है? शिफ्ट आ गया। कैसे है, पैदल है? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं बाइक पे। बाइक पे ऑफिस छोड़ने जा रहे हैं और हमने जाना है अपने डेट शीट का असाइनमेंट का पता करने यूनिवर्सिटी चौक में। तो ये वापस जाते हुए अपने दोस्तों के लिए चाय बनवा के लेके जा रहा है होटल से। तो ये चाय बनवाता है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। इनको घर छोड़ दिया है, अपने डॉक्यूमेंट्स डेट शीट वगैरह भी ले ली है जो कल भूल गया था। तो अब इनको ले कर घर चलते हैं सीधा। बाय बाय। क्या देख रहे हो आप? डेट शीट है यार और मेरी NOC है। तो ये लेके अब घर चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। NOC यार इजाजत नामा के जिले को सारे ये। एक दोस्त भी है ना, उसकी भी लेके जानी है, वो तो मुल्तान होता है ना। अभी घर पहुँचे हैं, डेट शीट अपनी वगैरह लेके आए हैं ना सारा कुछ। तो घर आके पता चला है दोस्त की कॉल आई है कि इसकी असाइनमेंट भी होती है, वो जमा नहीं करवाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पिछली दफा करवाई थी, इस दफा जहन से ही निकल गया। अब शीटें लेने जा रहे हैं, असाइनमेंट अभी लिखते हैं, फौरन सारी लिखनी पड़ेंगी। तो जमा करवाते हैं, सुबह डाक के जरिए भिजवा देंगे। फिर शीट वगैरह ले आए हैं हम, पेन भी काफ़ी सारे ले लिए हैं, क्योंकि एक मैं शीट लिखूंगा असाइनमेंट की और एक दोस्त से लिखवाऊंगा। और वालदा साथ ही हम सायों के घर गई थी, ऐसे सऊदी अरब से आए हैं उमरा करके। तो आब जमज़म का पानी पीते हैं। तो आज के व्लॉग का अख्ताम भी आब जमज़म का पानी पीते हुए ख़त्म करते हैं। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान। और ये आखिरी व्लॉग हमारा, फिर कोई महीने बाद या 20 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद तकरीबन आता होता है व्लॉग, क्योंकि 3 हफ्ते बाद वीकेंड मिलता है। टाटा बाय बाय, फी अमानिल्लाह।